सब्सक्राइब कीजिए माय फैशन डायरी को, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे प्रिंसेस कट फ्लेयर्ड कुर्ती का ट्यूटोरियल। तो यहाँ सबसे पहले हमें पेपर पर इसकी मार्किंग ड्राफ्टिंग शुरू करनी है। ये प्रिंसेस कट स्ट्रेट कुर्ती होती है इस तरह से, और ये प्रिंसेस लाइन है। आप प्रिंसेस लाइन आर्म होल से भी ले सकते हैं या शोल्डर से भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर आर्म होल से लेंगे और इसके मेजरमेंट इस तरह से रहेंगे। आपको ये मेजरमेंट अपने रखने हैं और आप कोई भी साइज़ के लिए ये बना सकते हैं। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ कीजिए और उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग ये क्लोज नेक का कुर्ती बना रहे हैं। यहाँ पर 2.25 इंच पर हम एक मार्क करेंगे नेक की विथ, क्योंकि यहाँ पर ये चेस्ट की साइज़ 30 या 30 से कम हो तो हमें इतना लेना है। 2.25 इंच और नेक लेंथ है 3.5 इंच। अगर आपकी साइज़ 30 से ज़्यादा है तो नेक की विथ 2.5 इंच लीजिए। आर्म होल 7 इंच पर मार्क करेंगे, फिर चेस्ट को 4 से डिवाइड करके यहाँ मार्क करना है और फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इसके आगे 1.5 इंच जो सिलाई का मार्जिन होता है वो हमें मार्क करना है, और यहाँ से फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। यहाँ जो नेक का बॉक्स बनाया है उसको एक राउंड शेप देंगे नेक के लिए, और शोल्डर डाउन करना है 1/2 इंच आर्म होल पर। अभी जितना शोल्डर से चोली का मार्क होता है, जैसे हमारी कमर होती है, जितना चोली का मार्क होगा यहाँ तक, उसे हमें यहाँ पर एक मार्क देना है। तो सपोज़ 13 इंच है तो 13.5 इंच पर हम लोग यहाँ मार्क करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच शोल्डर जॉइनिंग में निकल जाता है। उसके बाद में हमारा जो शोल्डर से बस्ट पॉइंट का जो साइज़ होता है उसमें 1/2 इंच ऐड करके यहाँ मार्क करेंगे, और 3.5 इंच यहाँ से जो शुरुआत करते हैं हम, वहाँ ये मार्क करना है। ये प्लस का मार्क इस तरह से है कि 3.5 इंच यहाँ सेंटर से और ऊपर शोल्डर से हमने शोल्डर टू बस्ट पॉइंट का जो साइज़ है उसमें 1/2 इंच ऐड करके ही मार्क दिया है। मोस्टली सबका बस्ट पॉइंट बस्ट गैप जो होता है वो सेम होता है 7 इंच का। अभी ये जो कमर का हिस्सा है हमारा, इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, या जितनी आपकी कमर है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ मार्क दे देना है। हर 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्योंकि ये 1 इंच हमारा डार्ट के लिए एक्स्ट्रा रहेगा। और इसके बाद में सिलाई का मार्जिन 1.5 इंच ऐड करेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई। यहाँ से 3.5 इंच जहाँ पर है इसको इससे मिला देना है। ये हमारा डार्ट आएगा यहाँ पर। ये बस्ट गैप 7 इंच, उसका हाफ किया था हमने, इसलिए 3.5 इंच ये यहाँ से लिया है। ये 3.5 इंच की लाइन पूरी स्ट्रेट रहेगी, जितनी हमारी कुर्ती की लेंथ रहती है वहाँ तक हमें इसको लेना होगा। उसके बाद में आपका जो साइड का कट रहता है, आप कहाँ तक रखते हैं वहाँ पर इसको एक मार्क देना है। और हमारा जितना हिप साइज है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ एक मार्क करेंगे, और 1.5 इंच आगे सिलाई का मार्जिन इसका मार्क देकर इस तरह से इन दोनों को मिला देना है। अभी आप यहाँ से आगे स्ट्रेट ले जाते हैं तो आप स्ट्रेट कुर्ती प्रिंसेस लाइन की बना सकते हैं, और अगर ए लाइन लेनी है तो आपको तिरछा ऐड करना होगा। अभी यहाँ से देखिए 3.5 इंच हमने ये सीधी लाइन आगे से आगे रखी है। इस लाइन को हमें आर्म होल से मिलानी होगी, तो आर्म होल से यहाँ पर आप 1 इंच पर लेकर, या फिर सेंटर आर्म होल का एग्जैक्ट जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर इसको आप जॉइन कर सकते हैं। तो यहाँ ये 1 इंच का डार्ट रहेगा, ये जो वेस्ट लाइन रहती है वहाँ से 1 इंच का डार्ट बस्ट पॉइंट तक
शोल्डर से जो बस्ट पॉइंट का जो साइज होता है वहां तक ये टाट आता है। अभी इस टाट को हमें नीचे भी कंटिन्यू करना है, जैसे ऊपर जितना था उसे थोड़ा कम लेंथ में। इस तरह से ये एक मेन डॉट हो गया। अभी इस नीचे से इसको एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है। ये स्ट्रेट लाइन की साइज सब जगह सेम है, 3.5 इंच जो हमारा बस्ट गैप का हिस्सा है। और इसे मिलाना है आर्म होल के सेंटर के भाग से। यहाँ आप एक डार्ट भी दे सकते हैं, जैसे हमने मेन डार्ट दिया है 1 इंच का, तो अगर आप शोल्डर सॉरी आर्म होल पर डार्ट देना चाहते हैं तो उसका हाफ डार्ट आएगा हमारा आर्म होल पर। और जब अगर आप डार्ट देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ से बढ़ा देना है साइड में इस तरह से। तो ये जो हिस्सा है ये कट जाएगा हमारा डार्ट का, मेन डार्ट और आर्म होल पर जो डार्ट है वो। ये डार्ट सिर्फ जो आर्म होल है वो फ्रंट में ही रहेगा, मेन डार्ट बैक साइड में भी जाएगा। अभी इन हिस्सों को कट कर देना है। ये हमारा बैक का नेक, तो हम इसे कट करेंगे तो बैक का नेक और बैक का आर्म होल के अकॉर्डिंग ही इसे कट करेंगे। यहाँ पर ये मेन डार्ट हमें अलग कर देना है, पर आर्म होल का जो डार्ट है वो अलग नहीं करना है, क्योंकि बैक साइड का जो पोर्शन है वहाँ पर ये डार्ट नहीं आने वाला है। और यहाँ पर ये दो अलग मैंने और पेपर सेम कट किए हैं ताकि हमें ये फैब्रिक पर एडजस्ट करने में आसानी हो जाए। और जब फ्लेयर इसकी बढ़ानी होगी तो नीचे जो कमर के बाद में या हिप साइज़ के बाद में आप इसकी साइज़ को ए लाइन की तरह बढ़ा सकते हैं, जिससे इसका फ्लेयर बढ़ जाएगा। आप आगे देखिए इसमें, ये सपोज कीजिए कि हमारा प्रिंसेस लाइन के दो पीस हैं, ये दोनों प्रिंसेस लाइन है। अब जब इसे कोई फैब्रिक पे प्लेस करेंगे, सपोज ये हमारा फैब्रिक है और आप जब यहाँ पर इसको प्लेस करते हैं तो पहले इसका जो मेन हिस्सा है वो मार्क करते हैं। अभी देखिए ये साइड का पोर्शन है, तो साइड के पोर्शन में आप दोनों साइड से इसकी फ्लेयर को एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और ये सेंटर का हिस्सा है, तो सेंटर के हिस्से में आप जो सेंटर का भाग है वहाँ से नहीं बढ़ाना है, जो इसकी साइड का प्रिंसेस की लाइन है वहाँ से इसको आप इसकी फ्लेयर बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये फ्लेयर में दोनों साइड से इसका घेरा बढ़ जाएगा। ये मेरा 2 मीटर का फैब्रिक है कॉटन का, इसकी विथ है 56 इंच, इसीलिए ये 2 मीटर में बन रहा है। अगर आपका फैब्रिक जिसका विथ 44 इंच है या 40 इंच का है आपको 3 मीटर या 3.5 मीटर फैब्रिक मिनिमम लेना होगा, तभी वो प्रिंसेस कट फ्लेयर्ड वाला बन पाएगा, वरना वो अच्छा फ्लेयर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल किया है और चारों पीसेस प्लेस किए हैं, और इनकी जो फ्लेयर है जैसे मैंने अभी आगे पेपर पे बताया था उसी तरह से इनकी फ्लेयर को बढ़ाया है। और जो सेंटर के जो पीस है उनकी लेंथ हमारी जितनी लेंथ हमें चाहिए उसी अकॉर्डिंग इनकी लेंथ ली है, पर जो साइड के पीस होते हैं उनकी लेंथ कम रहेगी क्योंकि हमने ये हाफ आर्म होल से इनको कट किया है, तो हाफ आर्म होल तक का जो हिस्सा होता है वो इसकी लेंथ कम हो जाती है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको इसकी लेंथ को आगे बढ़ाना है। यहाँ ये हिस्सा 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है क्योंकि फ्रंट के हिस्से में यहाँ पर बटन और बटन होल आएंगे, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर छोड़ना है। और जहाँ पर भी प्रिंसेस लाइन जॉइन होगी वहाँ पर भी आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है, एक्स्ट्रा कट करना होगा। बाकी इसकी फ्लेयर दोनों साइड में जो साइड के पार्ट हैं
उनमें दोनों साइड में एक्स्ट्रा फ्लेयर आएगी और जो सेंटर की पीस है उनमें साइड के हिस्से में इस तरह से फ्लेयर एक्स्ट्रा रहेगी। तो इन्हें कट कर देना है ऐसे। ये कट करने के बाद इस तरह से रहेगा। ये है बैक का पोर्शन और देखिए ये जो प्रिंसेस लाइन है यहाँ पर मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि स्टिचिंग करेंगे तो इस हाफ इंच सिलाई का चाहिए दोनों साइड में। ये है हमारा फ्रंट का पोर्शन और यहाँ पर भी प्रिंसेस लाइन में हाफ इंच एक्स्ट्रा है और यहाँ पर सेंटर के हिस्से में हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है क्योंकि ये बटन और बटन होल का हिस्सा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक जो फैब्रिक रहेगा वहाँ पर ही हाफ इंच एक्स्ट्रा है बटन और बटन होल का। ये है हमारा बैक का पोर्शन और इनकी ये प्रिंसेस लाइन को हमें स्टिच करना होगा इस तरह से। अभी ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए हमें फ्रंट का नेक और आर्म होल ये दोनों कट करने हैं। तो ये जो सेंटर का पीस है वहाँ पर हमें नेक को कट करना है और आर्म होल और ये जो डार्ट का हिस्सा है उसको भी कट कर दीजिए। अगर आप डार्ट लेते हैं तो इसको कट कर दीजिए। यहाँ पर हाफ इंच और ये हमारा नेक इस तरह से कट करना है। यहाँ हाफ इंच छोड़कर एक्स्ट्रा जो रहता है जो डार्ट का हिस्सा उसको कट करना है और हाफ होल का। आम होल भी डार्ट लेने से इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो ये हमारा सेंटर का भाग हो गया और ये साइड का पार्ट। साइड के पार्ट में ये डार्ट और ये आम होल का हिस्सा इस तरह से ट्रिम करना है। फैब्रिक पर प्लेस करके जो भी एक्स्ट्रा लगता है यहाँ पर इसको कट करना है और जो ये प्रिंसेस लाइन में हाफ इंच तो सिलाई का मार्जिन रखना है बाकी का जो एक्स्ट्रा रहता है उसे ट्रिम करना है। इस तरह से ही हमारा फ्रंट का हिस्सा भी ऐसे रहेगा। तो यहाँ हम पहले प्रिंसेस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह हमारा ये फ्रंट का प्रिंसेस लाइन हमने अटैच कर लिया है। अभी बीच में हमें बटन और बटन होल की पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पर ये जो राइट साइड का हिस्सा है वो रहेगा बटन होल का। तो बटन होल में हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है सेंटर में और ये पट्टी है 1.5 इंच की। इसको राइट साइड में यहाँ पर प्लेस करके रॉन्ग साइड में पलट देना है। और ये जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वहाँ हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है। यहाँ पर ये 2.5 इंच की पट्टी है इसको रॉन्ग साइड में प्लेस करके इस तरह से हमें बाहर लाना है, उसकी फिनिशिंग देनी है। यहाँ हम ये अलग से पट्टी को स्टिच कर रहे हैं क्योंकि फैब्रिक यहाँ सफिशिएंट नहीं था तो मैंने अलग से इन पट्टी को अटैच किया है। अगर आप फैब्रिक में इस तरह से पट्टी को अटैच नहीं करते हैं और एक्स्ट्रा ही फैब्रिक पहले से कट कर देते हैं तो आपको ये जो हिस्सा है हमारा राइट साइड वाला वहाँ पर आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है वहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो वहाँ इजीली आप ऐसे पट्टी को
फोल्ड करके इनकी फिनिशिंग दे सकते हैं। ये हिस्सा हुआ हमारे बटन होल का, अभी ये हिस्सा रहेगा बटन का। ये पट्टी को हमने रॉन्ग साइड में प्लेस किया है, कुर्ती की रॉन्ग साइड में। इस तरह से इसको वापस आगे राइट साइड में पलट के ऐसे फिनिशिंग देनी है, जैसे नॉर्मली हम ब्लाउज में हुक्स एंड आईज की पट्टी को फिनिश करते हैं वैसे ही, पर यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही स्टिच लेनी है, डबल स्टिच नहीं लेनी है। यहाँ पर बटन आएंगे, मैं यहाँ फैब्रिक बटन अटैच करने वाली हूँ। तो इस तरह से ये हमारी बटन और बटन होल की स्ट्रिप्स बनके रेडी हो जाएगी। एक्स्ट्रा स्ट्रिप को कट कर देना है। यहाँ पर बटन और बटन होल की पट्टी हो जाने के बाद शोल्डर जॉइन करने हैं नॉर्मली जैसे, और स्लीव्स अटैच करने हैं। तो ये हिस्सा हमारा फ्रंट का, और ये रहेगा बैक का हिस्सा। बैक के हिस्से में हमने प्रिंसेस लाइन को स्टिच कर लिया है। इस तरह यहाँ मैं शोल्डर जॉइन कर चुकी हूँ और स्लीव्स भी अटैच कर चुकी हूँ। अभी हमें नेक की फिनिशिंग करनी है, उसके बाद में फिटिंग की स्टिच और नीचे की जो पट्टी फोल्ड करके उसकी फिनिशिंग देनी है। नेक की फिनिशिंग के लिए ये बायास या उरीब की पट्टी को लेकर इस तरह से फोल्ड करके शुरू में हमें यहाँ से अटैच करना है नेक पर। पूरे नेक में इसे अटैच करने के बाद यहाँ पर कुछ नोचेस देने हैं, और जो शुरुआत का हिस्सा इस तरह से नोच दीजिए, और बाकी जहाँ कर्व है वहाँ पर नोचेस देने हैं। और इसे रॉन्ग साइड में पलट देना है। पूरे नेक पे इसके स्टिच होने के बाद इसकी नेक की फिनिशिंग ये हो जाएगी हमारी, और ये इस तरह से रहेगा। इसके बाद में हमें लेनी है फिटिंग की स्टिच। फिटिंग की स्टिच हो जाने के बाद इस तरह से हमारी कुर्ती तैयार है। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे तक ही बटन्स रहेंगे यहाँ तक, और बाकी का हिस्सा मैंने खुला छोड़ा है। आप चाहें तो चोली तक इसके बटन रख सकते हैं, बाकी का हिस्सा खुला छोड़ सकते हैं। जैसे भी आप इसे डिज़ाइन करके पहनना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। कुर्ती इस तरह से पहनने के बाद ऐसी लुकिंग देगी। इसमें अच्छी फ्लेयर भी है, आप इसे जींस के साथ, लेगिंग्स के साथ वेयर कर सकते हैं, या प्लाजो के साथ भी पहन सकते हैं। इसमें कुछ हिस्से तक बटन है और कुछ हिस्सा ओपन रहेगा, जिससे आप वॉक करेंगे तो ये शो होगा। इस तरह से ये हिस्सा
जितना आप ओपन रखना चाहते हैं उतना ओपन रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।